हम पप्पू के घर जा रहे हैं मूसा की, और आज है वेडनेसडे और आज हो गई है अचानक से छुट्टी 9th of November, एक बार डे। पहले कोई प्लान नहीं था, रात तक कोई प्लान नहीं था कि बड़ों की छुट्टी होगी। लाइक बच्चों की तो थी छुट्टी, लेकिन बड़ों की छुट्टी होगी और हो गई है छुट्टी इन जनाब की भी। तो बस फिर हमारा प्लान था बहरिया जाने का, तो अचानक से हुआ, वो भी सुबह जब मैं सो रही थी, जवाब मेरे पास आया कि हम बहरिया जा रहे हैं, तो फिर हम निकल गए थे। मैंने कहा चलो रास्ते से व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। फिर आया बाजी का फोन कि आते हुए ना प्याज ले लो। अब हम हाईवे पे थे तो हम कहाँ से प्याज ले। जवाब के दिमाग में आया कि क्यों ना हम सब्जी मंडी चले। मैंने सोचा यस ये गुड आइडिया है, क्योंकि मैं अब व्लॉग शूट कर लूँगी, क्योंकि जैसे अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा उसके बाद लाइक कि जैसे इतनी ज़्यादा सब्जी महंगी हुई थी और हम आ रहे हैं वहाँ से लाइक शहर से सिटी से और हम हाईवे पे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना रेट कंपेयर किए जाए। तो बस यही है, क्योंकि मैं लेती हूँ वेंडर से जो गली से गुजरता है या कभी जवाब ले आते हैं, तो ये सीन है। अब नेक्स्ट वीडियो आप देखें जो मैंने सब्जी ली है और कितना रेट डिफरेंस है वो मैं कल वेंडर से ही पूछ के आपको बताऊंगी। और इन साहब को तो भाई इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी पूरा टाइम, यूं करे जा रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, और बस ये था। तो यह सब्जी मंडी में कल जो प्राइस की प्याज थी वो थी 140 और आलू की थी 50 रुपये किलो और 60 रुपये किलो, और आज जब मैंने वेंडर से पूछा तो उसने मुझे 80 रुपये किलो आलू बोले और 170 या 180 प्याज। कहाँ पर होंगे? 150 वाला ये 160 वाला ये लाल और आलू कैसे आते हैं? आलू ये 60 का, वो 70 का, वो 120 का। वो 120 का है? हाँ नहीं आलू। और ये? ये 70। और ये? ये 60। तो अभी जो वीडियो बनाई है ना, तो उन्होंने तो हमें ज्यादा रेट बताए हैं और पीछे बैक साइड पे स्टार्टिंग पे जो रेट थे वो कम थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने लाइक 50 एंड 60 आलू के बताए थे एंड 140 लाइक प्याज के बताए थे और 180 आई गेस शायद बाहर मिल रही है प्याज। तो अब जाके चेक करते हैं टमाटर के प्राइसेस क्या है। तो लेट्स सी। पता जब हम लोग सब्जी ले रहे थे क्यों हुई थी उल्टी? क्यों हुई थी सब्जी ले रहे इंजन आपको वॉमिट फील होने शुरू हो गई, स्मेल आई नाक बंगे कर करके खड़े में। उसके बाद जब हम आगे गए तो मुझे उल्टी आ रही। जाना भी बहुत ज़रूरी, गाड़ी में भी नहीं बैठना मेरे साथ और फिर जाना भी है कि नहीं मुझे बाबा के साथ जाना है। वो कर रहे थे, निकलवा रहे थे, तो फिर कह रहे मुझे वहीं जाना है और फिर इसका वॉमिट भी आ रही है स्मेल की वजह से। मेरे इस बच्चे आगे जाके पता नहीं होगा क्या होने। ट्रॉली तो नहीं है, हम खुद ले लेंगे, खुद ले लेंगे। वैसे कितने एक किलो का क्या चल रहा है? 50 रुपए किलो। और मेथी? मेथी 120 रुपए किलो और मेथा जो है ना वो 60 रुपए किलो। अच्छा, धनिया की गट्टी कितने की दे रहे हैं? 20 की तीन। 20 की तीन। और बैगन? बैगन क्या चल रहा है? धनिया क्या दे रहे? तो यस टमाटर वहाँ 160 थे और आज जब मैंने पूछा था वो 200 थे। और इसी तरह से पालक उन्होंने मुझे 40 रुपये किलो दी थी और यहाँ प्याज मैंने पूछा तो 80 था। इतना ज़्यादा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। तो यस ये सीन था कि आप लोगों ने देखा कि जो सब्ज़ी वगैरह क्या है, और मैं बताऊँगी भी कि इसी वीडियो में बताऊँगी कि कितना डिफरेंस है। मुझे लग रहा है, जवाब को लग रहा है कि इतना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा, इसलिए कि हमको जा रहे थे ना बहरिया और हमको अचानक से हम कोई स्पेशली हम सब्ज़ी मंडी तो नहीं आए थे कि हमें सब्ज़ी लेनी है, तो फिर जाहिर से फिर तो बिल्कुल ही एक फजूल सी बात है। हाँ अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो हम यहाँ से ह्यूज क्वान्टिटी में लेने आ रहे हो तो फिर आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन हम तो दो हैं और फिर हम लोग इतनी सब्ज़ी हम लोग ले नहीं सकते, फजूल है हमारे लिए, ख़राब हो जानी, तो हम पेट्रोल को अपना वेस्ट करके यहाँ पे आए। तो एक ये पॉइंट है, सही है ना। हाँ अगर बड़ी फैमिली होती तो फिर इंसान पेट्रोल लगा के भी आए और फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा तो उसको फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, तो ये सीन है। लेकिन मुझे तो कोई सब्ज़ी नहीं लेनी थी, लेकिन जब हम गए हैं वहाँ पे मैं सच में देख के पागल हो गई थी। मैं दिल चाहता मैं ले, जब मैं
खुल गया। हम आ गए पार्क और ये है मेरे साथ अम्मी अम्मा। आप जो भी समझे आप कुछ बोलेंगी? क्या बोल? कुछ भी बोल ले। कुछ भी बोल दो। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ निकल के, बस मजा आ रहा है। ये अपने पोता पोती और हमारे साथ आई है पार्क में और हम मैं और अम्मा बैठेंगे यहाँ पे और जवाब देखेंगे बच्चों को। आराम से खेलो, घरेलू बातें कर रहे थे। जाओ कोई बात नहीं, खेल में होता है, जीते हैं, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कर ना। ओके क्या बातें हो रही हैं? कौन से पार्क की बात कर रहे थे? आप कहते ना कि पार्क मेंटेन नहीं है। फिर बेटर हो गया अब तो। ये वाला ना? मक्खी आ गया था। खेल लिया लोगों ने? चले नहीं। और खेलने मगरब होने वाली है नहीं। और खेल लो। मैंने भी पकड़ ले। वाओ पकड़ेगी। चलो बस अब चलो। जवाब कैसा लग रहा है छुट्टी का दिन? कैसा? मतलब कैसा? ऐसा। ये इंतहाई डिप्लोमेटिक जवाब दिया जवाब ने, क्योंकि अच्छा बोलते तो मैं कहती सही अच्छा है, तो फिर हम सारे दिन हमारे साथ गुजारने चाहिए जो वीकेंड्स होते हैं जवाब के, लेकिन जवाब को तो फ्रेंड्स के साथ गुजारने होते हैं। तो सारा सीन ये, जब वो अच्छा बोल ही नहीं रहे ना कि फ्रेंड्स के साथ जो जाना होता है, फैमिली डे तो जवाब को ऐसा लग रहा है ऐसा, अब कैसा लग रहा है वो नहीं बता रहे। चलो भाई मूसा काम, हम जा रहे हैं। अब जगह देख के तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं इतने इजीली फोन कैसे यूज कर रही हूँ। तो यस, वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ बहरिया में और कराची की वाहिद जगह जहाँ फोन सुकून से यूज कर सकते हो, कोई आ नहीं सकता अपना जरूरत मन अपना हक लेने, वरना तो भाई कहीं यूज नहीं कर सकते, वरना मैं फोन यूज कर लूँ मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई। मुझे ये नहीं कि फोन चलाए, मुझे तो ये डर लगता है कि शूट भी कर देंगे भाई, ये लेके भी जाते हैं और फिर हम दे के भी जाते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ तो। खैर छोड़ लेते हैं इस बात को। और वो रहे हैं मूसा और जवाद, वो अपना वॉक कर रहे हैं और अभी हमने बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करे हैं और बस वहाँ ना जाते हैं। हम बाहर भी इसीलिए आए थे क्योंकि मूसा की लड़ाई शुरू हो गई थी सुनहरा से, तो फिर हम उसको बाहर लेकर आ गए और अब मैं सोचूँ मैं अंदर जाऊँ, बहुत हो गया बाहर। और बस ये सीन है, स्टोरीज चल रही हैं भाई। हॉर्स वाली मैं अंदर जा रही हूँ। चले हम निकल गए बाजी के घर से और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं आ गया, 10:30 11 हो रहे और मूसा सो गया है पीछे, सोने लेटा है वो बस। तो ये सीन है, हम घर जा रहे हैं, तो ये ब्लॉग मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो चुका होगा, तो उसको यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना वो क्या बबो पे रहे, मूसा बस सोने पर ही है, मतलब इसको नींद बहुत ज़ोर से आ रही है तो ये लेटा हुआ पीछे सोने के लिए, और आई होप बस ये घर जाके भी सोता ही रहे, उठे ना। तो बस इसको अपनी एंड करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपने अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सब मूसा को भी अल्लाह हाफिज़ कहें तो मूसा प्लीज़ बोल दें। चल लिया, सबने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना जो मूसा बोल रहे हैं।
ओके।